सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सदा ही लहराता रहिए तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 अगस्त 2021 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 4:26 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 15 अगस्त 2021 दिन रविवार, आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, आपको धीरज से काम लेना होगा। सोच समझ कर निर्णय लें, आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी आपके लिए सहायक रहेगा। सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ की धरातल पर आने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के बारे में मन में अधिक रोष उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति की बातों को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि व्यक्ति कुछ बातों में खोए होने की वजह से गैर जिम्मेदार बर्ताव दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आपका अधिक नुकसान हो रहा है तो इस बात के बारे में स्पष्ट स्वरूप से उन्हें जानकारी देने की कोशिश करें। कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके आपसे संबंधों को बिगड़ने न दें। मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन काम से जुड़े व्यक्ति काम से संबंधित गंभीरता न दिखाने की वजह से काम आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। पार्टनर को एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सर्दी खांसी जैसे तकलीफ होगी, बदलते वातावरण के साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। सावधानियां, अगर फाइनेंस को लेकर आपके पास कोई योजना है तो उस पर बहुत ही सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। आपके साथ धोखा होने की स्थिति बन रही है। संयुक्त परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ तनाव रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की, दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बनी रहेगी। आज आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे रोमांटिक माहौल का आनंद लेंगे। आपके करीबी संबंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खासियत रहेगा। आप खास तौर पर मस्ती महसूस करेंगे। इस खूबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताएं और कुछ खूबसूरत यादें बनने दें। आप आज अपने पार्टनर के साथ कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खूब प्रशंसा होगी। अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं। बात करते हैं करियर की, आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबी समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो
अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए भी अशुभ संदेश मिल सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए पूरा ध्यान बिजनेस पर रखें। शेयर बाजार और तेजी मंदी का काम करने वाले लोग सावधान रहें। निवेश संबंधित गतिविधियों को भी स्थगित रखना उचित है। बात करते हैं सेहत की। आपको सपना आ सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आप होम्योपैथिक तरीके अपनाने की विशेषज्ञों की सलाह को काफी समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि आपको अब शरीर के सब हिस्सों में दर्द महसूस होने लगा है। नहाने धोने जाते समय सावधान रहें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को पैसों का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।